हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ CIMFR रिक्रूटमेंट 2020 की। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो है वो निकाली गई है टेक्निकल ऑफिसर की, जिसमें कि आपको सैलरी मिलेगा 44,900 तक। यहाँ पे बात करें कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है, तो यहाँ पे BE BTEC वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने भी BE BTEC पास करा हुआ है वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 2 दिसंबर 2020 रखा गया है। इसमें आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं होगा और 2 दिसंबर 2020 तक ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन कौन से ब्रांचेस यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं BE BTEC में, और यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी जो है वो जारी की गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर मेंशन किया गया है, उसके बाद यहाँ पे आपको लास्ट डेट दिया गया है कब तक आप अप्लाई कर पाओगे। तो अप्लाई करने का जो यहाँ पे लास्ट डेट है वो 2 दिसंबर 2020 5:30 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 5:30 PM आपको लिखा गया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे बात करें कौन कौन से ब्रांचेज यहाँ पे एलिजिबल है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो आपको बताया गया है कि जो यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है वो टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट निकाली गई है, जिसमें कि 23 वैकेंसी है। और यहाँ पे आपका जो बेसिक पे है वो 44,900 तक आपका रहेगा, जो कि लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मिलने वाली है। साथ ही यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी जो है वो चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपको बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं डिसिप्लिन की, कौन कौन से डिसिप्लिन में वैकेंसी आई है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हो माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि आपसे इसेंशियल क्वालिफिकेशन में BE BTEC मांगा है इन माइनिंग इंजीनियरिंग। साथ ही अगर आपने 55% मार्क्स से यहाँ पे पास किया हुआ है BE BTEC माइनिंग से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल में यहाँ पे आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, यानी कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आप फ्रेशर्स कैंडिडेट हैं तो भी आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल माना जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आपको क्या काम करने रहेगा। साथ ही यहाँ पे इस डिसिप्लिन में कितनी पोस्ट है कैटेगरी वाइज वो आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें, तो यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी है। BE BTEC मांगा है इन रिलेवेंट फील्ड और 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। डिजायरेबल यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका जॉब प्रोफाइल रहेगा। और यहाँ पे आप वैकेंसी देख सकते हो कैटेगरी वाइज। उसके बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी निकाली गई है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। BE BTEC करा हुआ है आपने इन रिलेवेंट फील्ड, 55% मार्क्स से आपने पास किया हुआ है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी है, अगर आपने सिविल से इंजीनियरिंग किया हुआ है, BE BTEC करा हुआ है, 55% मार्क्स है आपके, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हो 2 वैकेंसी निकाली गई, UR के लिए एक और एक OBC के लिए निकाली गई। उसके बाद यहाँ पे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी निकाली गई है, यहाँ पे मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी जो है वो निकाली गई है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कितनी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी इसमें। उसके बाद यहाँ पे जब आप नेक्स्ट नीचे आओगे, तो आपको यहाँ पे ये भी बताया गया है कि इसमें आपको DA, TA, HRA भी आपको मिलेगा, जो यहाँ पे बेसिक पे के अलावा आपको मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपको एज में रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा, जो कि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST और OBC को मिलता है, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन में। उसके बाद बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तो इसमें आपको बताया गया है कि आपका जो सिलेक्शन होने वाला है, सबसे पहले यहाँ पे आपका एक स्क्रीनिंग होगा, यानी कि शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट को। उसके बाद जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टिंग होंगे उनको यहाँ पे ट्रेड टेस्ट या फिर रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो ट्रेड टेस्ट और आपका जो रिटन टेस्ट होने वाला है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी इनको बाद में आपको देखने को मिलेगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अभी बस आपको यही बताया गया कि जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपके ट्रेड टेस्ट और रिटन एग्जामिनेशन के ऊपर बेस्ड आपका सिलेक्शन रहने वाला है, और इसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जल्द ही देखने को मिलेगा। ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बताया गया है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की।
तो यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 100 रुपीज़ देनी है। जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी देनी है, और जो एस सी एस टी के कैंडिडेट हैं और जो फीमेल कैंडिडेट है उनको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो एस सी एस टी एंड वुमेन कैंडिडेट है उनको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बात करें कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। इस वेबसाइट पे जाके आपको इनकी एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है, जो कि A4 साइज में आपको करना है। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है, और यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया, एज का जो सर्टिफिकेट है वो हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट आपका हो गया, और साथ ही जो आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे फोटोकॉपी उसका देना है। सारे सर्टिफिकेट यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड आपके होने चाहिए, और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको इसको भेजना है। भेजने के लिए एड्रेस यहाँ पे आपको मेंशन किया गया, इस एड्रेस पे आपको भेजना है। साथ ही आपको जो पेमेंट का स्लिप है वो भी भेजना है, और जो इनवेलप आप वहाँ पर सेंड करोगे उस पर आपको पोस्ट लिखना रहेगा, पोस्ट कोड लिखना रहेगा, और एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आपको मेंशन करना रहेगा। और उस इनवेलप को आपको रजिस्टर या फिर स्पीड पोस्ट से आप भेज सकते हो 2/12/2020 शाम 5:30 बजे से पहले पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इनके पास पहुँच जाना चाहिए। यहाँ पर आपको एड्रेस जो है वो मेंशन किया गया है, यहाँ पे आप एड्रेस देख सकते हो। यहाँ पे साथ ही आपको ये बताया गया है कि जो कैंडिडेट हैं उनको इनक्लोज्ड 2 सेल्फ एड्रेस्ड इनवेलप आपको करना रहेगा, जो जिस पे कि आपको 22 रुपये का पोस्टल स्टाम्प जो है वो इस पे लगा होना चाहिए, जो कि आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको यहाँ पे भेजना रहेगा। तो ये यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद आपको इनके बताए हुए एड्रेस पे आपको भेज देना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और नोटिफिकेशन का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से डाउनलोड करके आप नोटिफिकेशन को पूरी तरह से रीड कर सकते हो, उसके बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर से कीजिएगा, जो लोग भी इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं वो इसमें अप्लाई कर पाएँ, तो उन लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।